हेलो एवरीवन, नाम के सिंह और आज का एक यूज़ आपको बताने जा रहे हैं गाइस, वो है गलती से भी। शायद आपको इंग्लिश पता ना हो, गलती से भी का इंग्लिश होता है इवन बाय मिस्टेक। याद रखिएगा इवन बाय मिस्टेक, EVEN बाय BYMISTAKE, इवन बाय मिस्टेक यानी गलती से भी। यदि आपको कहना है कि गलती से भी वहाँ नहीं जाना, सामने वाले को बोलना है गलती से भी वहाँ नहीं जाना, आपने किसी को ही हिदायत दे रहे हो, तो इंग्लिश होगा डोंट गो देयर। यानी सबसे पहले वहाँ मत जाना का इंग्लिश बनाएंगे डोंट गो देयर, इवन बाय मिस्टेक लास्ट में करना है। यानी हिंदी जैसी है वैसे नहीं बनाना है, जैसे गलती से भी का इंग्लिश होगा लास्ट में, वहाँ मत जाना का इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, यानी डोंट गो देयर इवन बाय मिस्टेक। यदि कहना है कि मेरी मोबाइल गलती से भी नहीं छूना, ठीक है, तो इंग्लिश होगा डोंट टच माई मोबाइल इवन बाय मिस्टेक। ठीक है, गलती से भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है, गलती से भी झूठ नहीं बोला, अभी खासतौर पर अपने पेरेंट्स से अगर ये बात बोलनी है तो इंग्लिश होगा डोंट टेल अ लाई टू योर पेरेंट्स इवन माई मिस्टेक। डोंट टेल अ लाई टू योर पेरेंट्स इवन माई मिस्टेक, ये भी आप कह सकते हो। अपने टीचर से गलती से भी झूठ नहीं बोलना तो बना सकते हो डोंट टेल अ लाई टू योर टीचर इवन माई मिस्टेक। तो गाइस जो यूज़ रहा आज इवन बाय मिस्टेक रहा, बहुत ही बेहतरीन यूज़ है और बहुत ज़्यादा बोलचाल में स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।